हेलो दोस्तों, आज हमने बनाया है एक्सीडेंट प्रिवेंशन इन हिल एरिया। आप देख सकते हो यहाँ पे शार्प यू टर्न बनाया है हमने और यहाँ पे हमने सिग्नल्स लगाए। बेसिकली आप देख सकते हो अभी दोनों साइड में ग्रीन लाइट है। ये ग्रीन लाइट इसलिए है कि अभी दोनों साइड में कोई भी नहीं है। अभी मैक्सिमम टाइम हिल एरिया में क्या होता है, दोनों साइड से ट्रैफिक आती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए घाट जाम हो जाता है। अभी इस प्रोजेक्ट में हमने क्या यूज़ किया है, ये ट्रांसफार्मर है, ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, यहाँ पे हमने सेंसर यूज़ किए हैं जो व्हीकल को डिटेक्ट करेंगे। एट अ टाइम एक ही व्हीकल आगे पास होगी, इस तरीके का हमने इसमें कोडिंग किया है। अभी हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। ये हमारी एक टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, ऐसा कंसिडर कीजिए। जैसे हम इसे आगे लेंगे, आगे लेने के बाद में देखिए ये गाड़ी यहाँ पे डिटेक्ट हो चुकी है। डिटेक्ट होने का मीनिंग ये है कि इस साइड से आने वाले लोग रुक जाओ और पहले इसे जाने दो। अभी हम इसे आगे निकालेंगे। जैसे ही ये आगे निकल जाएगी, आगे निकलते ही देखिए ग्रीन लाइट लग जाता है। अभी सेम प्रोसेस हम फिर से यहाँ से करेंगे। यहाँ से ये प्रोसेस करते टाइम देखिए, जैसे ही यहाँ से ये गाड़ी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते ही वहाँ पे सिग्नल लग जाता है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ से आने वाले लोग रुक जाइए और यहाँ से आने वाले जो है वो पास हो जाइए। जैसे ये गाड़ी पास हो जाएगी आगे, हम इसने पास कर दिया तो तुरंत ही दोनों लाइट ऑन हो जाते हैं। इस तरीका से हमने हिल एरिया में एक्सीडेंट प्रिवेंशन का ये प्रोजेक्ट बनाया है।